नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स बाय राजू जियानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे क्रॉप इफेक्ट। ये क्रॉप इफेक्ट से आप क्या क्या बना सकते हैं, किस तरह से उसका यूज कर सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, बट यहाँ पे मैं उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये वीडियो हमने यहाँ पे एक बनाया है, ये इसको मैं प्ले करता हूँ। अब यहां पे हमने जो ये टाइगर का शॉट दिखाया है, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि नीचे तीन लेयर दिए हुए हैं। हम एक के बाद एक उसको बंद करके देख लेते हैं। तो ये उसका मास्टर लेयर, मतलब कि मेन लेयर है। उसी लेयर के ऊपर हमने क्या किया है, ये एक लेयर हमने उसको क्रॉप करके दिया हुआ है। ये लेयर जो है उसमें हमने यहां से इफेक्ट विंडो में हम गए, इफेक्ट विंडो में जाके हमने क्रॉप इफेक्ट लगाया। यहां पे हम जस्ट सिंपली क्रॉप टाइप करते हैं, ट्रांसफॉर्म कैटेगरी के अंदर दिया हुआ क्रॉप इफेक्ट हमने लगाया। क्रॉप इफेक्ट लगाने के बाद जैसे इफेक्ट कंट्रोल में वो इफेक्ट आ जाता है, तो आप इस तरह से वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये लेयर फिर से बंद करता हूं और ये मास्टर लेयर पे क्रॉप का इफेक्ट लगा के आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं। ये लगाया, अब जैसे ही आप क्रॉप लगाते और क्रॉप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, तो इस तरह से चारों तरफ आपके सामने ब्लू हैंडल्स आ जाते हैं, मतलब बॉर्डर उसका तैयार होके आ जाता है। यहां से जब आप सिलेक्ट करते हैं तो मोशन के आते हैं, उसमें जो बटन्स जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, और जब क्रॉप आप सिलेक्ट करते हैं तो वो ब्लू कलर के बटन होते हैं, क्योंकि जब आप मोशन पे क्लिक करके उसको यहाँ से एडजस्ट करेंगे तो वो छोटा बड़ा हो जाएगा पिक्चर, जबकि क्रॉप करके उसके साथ करेंगे तो ये ब्लू हैंडल्स हैं, तो वो क्या करेगा, वीडियो को इस तरह से आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जहां से भी आपको उसको क्रॉप करना है आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट टॉप राइट और बॉटम। इसके अलावा यहाँ पे की फ्रेम ऑन ऑफ करने के लिए टॉगल एनिमेशन दिए हुए हैं, तो आप उस तरह से टॉगल एनिमेशन भी बना सकते हैं। ये मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, तो इस लेयर को मैं बंद करता हूँ। अब एक के बाद एक दोनों लेयर्स आपको दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने ये लेयर को क्रॉप करके यहाँ पे रखा, फिर हमने क्या किया है कि उसका जो की फ्रेम जो है उसके उसको हमने एनिमेशन दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने उसको क्रॉप किया, क्रॉप करने के बाद उसका मोशन चेंज किया। यहाँ पे देखिए मोशन के पैरामीटर भी उसके चेंज हो गए हैं। मोशन के पैरामीटर चेंज करने के बाद उसे यहाँ से टॉप का की फ्रेम एनिमेशन बना के दिया, तो वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ ओपन होके आता है। उसी तरह से इसे मैं बंद करता हूँ, इस लेयर को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद हमने क्या किया है, जैसे ही यहाँ पे इसके की फ्रेम ये फिनिश होते हैं, मतलब वो पिक्चर आ जाता है, उसके बाद ये इसके की फ्रेम स्टार्ट होते हैं, तो इसे हमने ये लेयर मैंने सिलेक्ट किया। ये देखिए यहाँ पे उसके की फ्रेम आपके दिखेंगे आप, ये देखिए इसको बॉटम से हमने ओपन किया है। तो इस तरह से हमने पूरा एनिमेशन क्रिएट किया है, तो ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसी चीज को कोई और इफेक्ट लगाना है तो हम यहां पे जाते हैं और टिंट में चले जाते हैं। ये मैंने एक लेयर को टिंट लगाया तो पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट हुआ, दूसरे को भी मैंने टिंट लगाया तो दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट हुआ। अब समझो ऊपर वाले को जो मैंने टिंट लगाया है उसको मुझे अलग कलर इफेक्ट देना है, तो मैं यहां से उसे सिलेक्ट कर सकता हूं और इसको मुझे दूसरा कलर टोन देना है। सेफिया टोन देना है, तो इस तरह का इफेक्ट मैंने दिया। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि उसके जो बॉर्डर्स जो है वो उसके फेदर के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्रॉप के साथ साथ, ये देखिए यहाँ पे क्रॉप के साथ साथ उसका एज फेदर का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप एज फेदर भी दे सकते हैं। ये हमारा जो लेयर हमने ये जो सिलेक्ट किया है फर्स्ट वाला,
इसमें भी एज फेदर दिया हो, ये मैं एज फेदर माइनस करके दिखा दूं, इस तरह से आपको ऐसा इफेक्ट देता है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से जहां पे भी पिक्चर क्रॉप कर रहे हैं तो उसे फेदर भी लगा सकते हैं। इस तरह से क्रॉप की मदद से यही काम आप मास्किंग से भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप नॉर्मल ओपेसिटी के मास्क से भी कर सकते हैं, तीन लेयर करके आप उसको भी तीन लेयर में डिवाइड करके उसका मास्किंग करके भी आप कर सकते हैं, बट क्रॉप से थोड़ा इजी हो जाता है। तो इस लेसन में इतना ही, इसी तरह के रेगुलर टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मैं आता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।